There's no way home. Hey guys, welcome back to Archery Couple by Nature. आज 18 फरवरी और 5 बज गए शाम के। आज मुझे सुबह से इतना काम था, बस मैं लैपटॉप के आगे से उठ ही नहीं पाया। सुबह से लगा हूँ, अब थोड़ा थक गया था, मैंने कहा ब्रेक लेते हैं और अभी हम जा रहे हैं अपने लोकेलिटी के गुरुद्वारे। अर्श भी मेरे साथ चल रहा है, मनप्रीत भी जा रही है, अर्श चल रहा है अपनी साइकिल, उसकी साइकिलिंग भी हो जाएगी और एक थोड़ी सी आउटिंग हो जाएगी और गुरुद्वारे मत्था भी टेकाते हैं। उसके बाद मेरी 6:30 बजे मेरी एक और कॉल है, केटी सेशन है, मुझे एक ट्रेनिंग देनी है किसी को, तो आके वो ज्वाइन करेंगे। शाम की चाय विद नूडल्स, हेल्दी नूडल्स, हेल्दी नूडल्स, ये वो नूडल्स है जो मैंने इसको बचपन से खिलाए। वर्मिसली और मनप्रीत की एक खासियत है, इसमें जो मसाला डलता है और ये जो सब्जियां डलती है इससे बिल्कुल नूडल्स वाला स्वाद आता है, तो स्वाद में बिल्कुल नंबर वन और हेल्दी ऑप्शन। यस, क्योंकि कई बार हमें नहीं पता लगता बच्चे को मैदा देने से अच्छा है कि आप वर्मिसली बना दो। नाल पीने अच्छा। तो हो गया आज का काम, लैपटॉप का करते हैं बंद, अपनी वीडियो आगे कंटिन्यू करते हैं। आपको पता है कि आई वर्क इन आईटी सेक्टर, तो उससे रिलेटेड कमेंट्स आते हैं कि जैसे अभी मुझे कमेंट आया था किसी ने क्वेश्चन पुट अप किया कि आजकल कौन सी टेक्नोलॉजी है जिनमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा आईटी की, तो मैंने रिप्लाई किया। देन आई थॉट कि मैं एक वीडियो क्यों ना बनाऊँ जिसमें मैं इन्फॉर्मेशन दूँ, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होंगे जो जानना चाहते होंगे हाउ टू गेट इन टू आईटी इंडस्ट्री, व्हाट शुड बी योर क्वालिफिकेशंस, क्या क्या स्किल्स मैटर कर रही है अभी जॉब मार्केट में और हाउ टू अप्लाई फॉर अ जॉब। आई वर्क फॉर TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जो कि इंडिया की लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयर है। TCS हैज़ अराउंड 4.5 लाख एम्प्लॉयज़, तो इतने सारे आईटी के बंदे, 4.5 लाख आईटी के बंदे अगर हायर किए हुए हैं, मतलब आईटी का बहुत स्कोप है। और अभी आपने देखा होगा पोस्ट कोरोना हमारी सारी चीज़ें ऑनलाइन ही हो गई है, बच्चों की पढ़ाई, इतना जितना ऑनलाइन बढ़ता जाएगा हमारा आईटी सेक्टर में जॉब उतनी ही ज़्यादा रिक्वायर्ड रहेगी। तो आई ज्वाइन TCS एज अ फ्रेशर जब मैं कॉलेज में था, माई ग्रेजुएशन आई गॉट प्लेस्ड इन दी कैंपस प्लेसमेंट, DU में मैं पढ़ता था तो कैंपस प्लेसमेंट थी TCS की, वहाँ पे उनकी इंटरव्यूज कंडक्ट हुए एंड लकीली आई गॉट प्लेस्ड। अर्श 7 साल का होने वाला है, तो इतने लंबे ड्यूरेशन में आई हैव स्टिल स्टिक टू TCS, और इतनी लंबी एसोसिएशन के पीछे बहुत सारे पॉजिटिव कारण है। TCS में बहुत सी अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं, वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा है, तो नेवर थॉट ऑफ गोइंग एनीवेयर एल्स, प्लस अ गुड पे पैकेज ऑल्सो। तो जब मैंने TCS ज्वाइन करी थी आई वॉज अ साइंस ग्रेजुएट, तो आपको IT में आने के लिए एक आपकी साइंस बैकग्राउंड होना चाहिए। अब उन्होंने थोड़ा सा अपना चेंज भी किया, अगर आपके पास साइंस नहीं है बट स्टिल यू हैव मैथ्स, तो अगर आपके पास कॉमर्स स्टूडेंट हो बट आपने मैथ्स पढ़ी हुई है ग्रेजुएशन लेवल तक, स्टिल यू आर एलिजिबल टू अप्लाई इन एन IT कंपनी लाइक TCS। IT इंडस्ट्री दो टाइप की होती है, प्रोडक्ट बेस्ड एंड सर्विस बेस्ड। TCS इज बेसिकली सर्विस बेस्ड कंपनी, सर्विस बेस्ड इन द सेंस हम दूसरों के प्रोडक्ट को सपोर्ट करते हैं, लाइक ओरेकल, जावा, लाइनेक्स, देयर आर मल्टीपल बिग प्रोडक्ट्स, AWS, Amazon Web Services, ऐसे बहुत से प्रोडक्ट्स हैं जिनको हम सपोर्ट करते हैं। और हर इंडस्ट्री की अपनी डिमांड होती है, कोई एक प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, कोई दूसरा प्रोडक्ट लेना चाहते हैं। जैसे बैंकिंग सेक्टर में हमारे पास बैंकिंग सॉफ्टवेयर्स होते हैं, एम्प्लॉयर हो बड़ी कंपनी हो उनको अपना सिस्टम मैनेज करने के लिए, अपना एम्प्लॉय सिस्टम मैनेज करने के लिए, पेरोल मैनेज करने के लिए, देन अपने फाइनेंस मैनेज करने के लिए, अपना सप्लाई चेन मैनेज करने के लिए कोई ना कोई सॉफ्टवेयर या ERP जिसको हम कहते हैं एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग पैकेज अप्लाई करना पड़ता है, और वैसे पैकेजेस को हम सपोर्ट करते हैं। अब आपने देखा होगा मोबाइल कितना ज़्यादा यूज में आ गया, मोबाइल डेवलपमेंट, तो मोबाइल डेवलपमेंट भी एक अलग से IT की ब्रांच ही आप कह लो, मिनी ब्रांच कह लो, जो कि IT से निकली है बट आजकल वो बहुत बूम पे है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि उसकी ऐप रजिस्टर हो। अगर आप कोई पहले होता था कि हम वेबसाइट बनाए, वेबसाइट के साथ साथ आपको ऐप बनाना भी जरूरी है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल आर यूजिंग इंटरनेट बाय देयर मोबाइल होंगे। सॉफ्टवेयर बनते हैं, IT का काम क्या है, सॉफ्टवेयर बनाना भी एक काम है जिसको हम कहते हैं प्रोडक्ट बनाना। सॉफ्टवेयर बनाया, इट्स कॉल्ड प्रोडक्ट बनाया। अब उस सॉफ्टवेयर को जब तक आप यूज़ करोगे उसमें कोई ना कोई इश्यूज आएंगे, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी, उसको ठीक करना पड़ेगा, मेंटेनेंस फेस आती है, तो उस मेंटेनेंस में जो हम करते हैं उसको कहते हैं सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे आप कोई TV लेते हो तो एक कंपनी सोनी जैसी कंपनी वो TV बनाती है, तो उसको हम बोलेंगे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। और आप फिर किसी प्राइवेट पार्टी से AMC भी लोगे उसकी, कि हाँ अगर मेरा ये TV में 5 साल की AMC आपसे करता हूँ, आपका इलेक्ट्रिशियन लोकल होगा, 5 साल के लिए आपसे AMC लेता हूँ, कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ,
अगर मेरी टीम में कोई भी प्रॉब्लम आती, कोई भी फॉल्ट आता, तो आप मेरी साइट पे आओगे, विजिट करोगे, ठीक करोगे, अगर कोई पार्ट रिप्लेसमेंट करनी है वो करोगे, तो उसको हम कहते हैं सर्विस प्रोवाइड करना। फॉर एग्जांपल SBI जो वहाँ के ऑपरेटर होते हैं, जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहे होते हैं कंप्यूटर पे, वो TCS ही सपोर्ट कर रही होती है। मोस्टली गवर्नमेंट प्रोजेक्ट TCS के पास ही है, जितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं हमारे, इनफैक्ट इनकम टैक्स का, पासपोर्ट का, सब TCS ही सपोर्ट करती है। और ये सपोर्ट हमेशा लाइफ लॉन्ग चलेगा। सॉफ्टवेयर एक बार बन गया, अब उसको यूज तो हमने लाइफ लॉन्ग करना है, तो इसलिए हमें सपोर्ट चाहिए रहेगा। और जैसे जैसे सॉफ्टवेयर के यूजर्स बढ़ेंगे, एग्जाम्पल इंडिया की पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ेगी, उतने ज़्यादा पासपोर्ट्स इशू होंगे, उतने ज़्यादा लोग इनकम टैक्स भरेंगे, तो आपको सपोर्ट करने के लिए उतना IT स्टाफ भी आपको बढ़ाना पड़ेगा। जैसे जैसे हमारा डिजिटल इंडिया की तरफ मूव होते रहेंगे, IT इंडस्ट्री में जॉब मार्केट और बूम होती रहेगी। मेरे टाइम पे TCS ने कैंपस प्लेसमेंट करी थी, आजकल ऑफ कैंपस भी होते हैं। आई स्टिल रिमेंबर कि तब उनकी रिक्वायरमेंट थी कि इन 10th 12th एंड इन योर ग्रेजुएशन यू शुड हैव 60% मिनिमम 60% मार्क्स। अब थोड़ी सी उन्होंने रिलैक्स कर दी है, आई थिंक अब वो 55% पे आ गए हैं। ये आपकी एक रिक्वायरमेंट है कि आपको इतने परसेंटेज ऑफ मार्क्स चाहिए। और इंटरव्यूज में क्या होता है, अगर आप फ्रेशर इंटरव्यूज देते हो, उनको पता है कि अभी आप IT इंडस्ट्री में आ रहे हो, तो अभी आपको इतना नहीं पता कि कोडिंग कैसे करेंगे, मतलब लॉजिक कैसे लिखेंगे, क्या करेंगे, आपको किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में टाइज नहीं होगी, बट हाँ आपको थोड़ी सी बेसिक नॉलेज होगी। अगर आप कंप्यूटर बैकग्राउंड से हो, साइंस बैकग्राउंड से हो, तो आपको पता होगा कि कंप्यूटर लैंग्वेज में कैसे लिखते हैं। बट इंटरव्यूज में, फ्रेशर इंटरव्यूज में, वो आपकी कोडिंग स्किल्स चेक नहीं करेंगे, वो सबसे पहले आपका चेक करेंगे एप्टीट्यूड, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक, अगर आपको कोई प्रॉब्लम दी जाती है आप उसको कैसे सॉल्व कर सकते हो। एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मल्टीपल वेज भी हो सकते हैं। जैसे मुझे अभी भी याद है, मेरा जो इंटरव्यू था उनका क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग था कि एक्सप्लेन अस द प्रोसेस टू मेक टी, चाय बनाने का प्रोसेस बताओ। अब आप TCS जैसी कंपनी में ऐसा क्वेश्चन एक्सपेक्ट करोगे, मतलब हम थोड़ी थोड़ी प्रिपरेशन करके तो जाते हैं, हाँ ये पढ़ लिया बुक का, ये पढ़ लिया, बट ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम भी थोड़ा कहते हैं यार ये किस टाइप का क्वेश्चन है। आपका एल्गोरिथम चेक करना चाहते हैं, चाय बनाने का प्रोसेस क्या है, वही बोलेगा यार गैस ऑन करी, चाय पत्ती डाली, दूध डाला, उबाला आ गया, ये आपका चाय बन गया। ठीक है, ये भी एक आंसर है, बट आप सारे एल्गोरिथम के साथ लेके चलो। आपने गैस ऑन करी, अरे लाइटर नहीं है आपके पास, क्या होगा, यूज अ मैच स्टिक। आपको सारे ऑल्टरनेटिव्स लेके चलने हैं। फिर आप दूध डालने लगे, देखा अरे किचन में दूध ही नहीं है, आप फ्रिज में चेक करोगे, फ्रिज में भी नहीं मिलेगा, मार्केट से लेके आओगे, तो सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आप जितने अच्छे से अपने सोच पाओगे कि हाँ अगर ये भी हो सकता है इसका मैं सॉल्यूशन क्या करूंगा। उन्होंने आपका इंटरव्यू में सिर्फ मेनली वही चीजें चेक कर ली। तो एकेडमिक नॉलेज है वो तो मैटर करेगी, उससे रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, बट साथ में आपका एप्टीट्यूड भी चेक होगा। सॉफ्ट स्किल्स, ये सॉफ्ट स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए, यू शुड बी प्रेजेंटेबल, आपको अच्छे से बोलना आना चाहिए, विद ऑल दी एटिकेट्स आपको बोलना आना चाहिए। इंग्लिश येस आपकी अगर अच्छी है तो इट इज एन एडवांटेज, बिकॉज IT में क्या, हमारे मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स आर फॉरेन क्लाइंट्स, वी आर सपोर्टिंग US, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, बट ऑल ओवर द ग्लोब TCS इज सपोर्टिंग। लाइक TCS बाकी IT फर्म्स भी सारे फॉरेन क्लाइंट्स को सपोर्ट करती है, क्योंकि मेन रेवेन्यू वहीं से जनरेट होती है। तो अगर आपको उनसे इंटरेक्ट करना है तो येस इंग्लिश इज अ मीडियम। IT इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो वर्क ऑन योर सॉफ्ट स्किल्स ऑल्सो, बी प्रेजेंटेबल, आप प्रैक्टिस करो, ऑनलाइन आपको ट्यूटोरियल्स मिलेंगे, वो प्रैक्टिस करो, उसका एडवांटेज जरूर मिलेगा। एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो IT इंडस्ट्री में होता है, यू शुड बी फ्लेक्सिबल टू रीलोकेट। इस बात का क्या मतलब है, आप देखोगे अभी दिल्ली में IT कंपनीज नोएडा साइड में है, गुड़गांव साइड में है, मेन दिल्ली में कम है। तो मैंने इंटरव्यूज दिए थे दिल्ली NCR में, अपॉर्चुनिटीज बहुत कम थी, ज़्यादातर अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ होती है, साउथ में। जैसे व्हेन आई गॉट हायर फॉर TCS तो मेरी ट्रेनिंग कहाँ हुई थी, चेन्नई में, तमिलनाडु चेन्नई, हैदराबाद चेन्नई, बैंगलोर, दीज आर IT हब्स। ऐसे ही पुणे में भी है, महाराष्ट्र में भी है। तो आपको पता नहीं है आपको कहाँ पे एलोकेट करेंगे। आपने एक बार कोई कंपनी ज्वाइन करी, उनके पास मल्टीपल प्रोजेक्ट्स होंगे, अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स के प्रोजेक्ट होंगे, अलग अलग लोकेशंस पे चल रहे होंगे, इंडिया में भी, अब्रॉड में भी, ऑन साइड ऑफ शोर सारे मॉडल्स होते हैं। सो यू शुड बी फ्लेक्सिबल। अगर आप फ्लेक्सिबल हो तो आप करियर अच्छा ग्रो कर पाओगे। एंड एडवांटेजेस ऑफ वर्किंग इन IT कंपनी, लोग आपको टेक सेवी मानते हैं। जैसे मेरे यहाँ पे भी नया गैजेट कोई लेता है, आस पड़ोस में भी लेता है, तो उनको पता होता है, हाँ यार गगन के पास जाते हैं, अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो वो एक्सप्लेन कर देगा, क्योंकि हमें अप टू डेट रहना है। IT ऐसा है कि आपको हर 6 महीने में अपने आपको अपग्रेड करना पड़ेगा। आप कोई मोबाइल फोन भी लेते हो, देखोगे हर 2-3 महीने में या 6 महीने में उसका सॉफ्टवेयर अपग्रेड आ जाता है, उसका हार्डवेयर अपग्रेड भी आ जाता है। तो IT इंडस्ट्री ऐसी है, जो आपने सीखा कुछ टाइम में उसको अपग्रेड करना पड़ेगा, आपको अपनी स्किल्स अपग्रेड करनी पड़ेगी, जो कि एक अच्छी चीज़ है कि आप नई नई चीज़ें सीखते हो, बोर नहीं होते, आपके साथ साथ हमें अपना काम भी करना पड़ता है, प्लस हमें नई नई चीज़ों के बारे में सीखना भी पड़ता है, पढ़ना भी पड़ता है, उसके लिए कंपनीज ट्रेनिंग्स भी कराती हैं। एक और एडवांटेज जो मुझे एसोसिएटेड टू IT फील्ड लगता है कि आपकी थिंकिंग काफ़ी चेंज हो जाती है। IT में हम एक टर्म यूज़ करते हैं, मॉड्यूलर अप्रोच। उसमें क्या होता है, कोई बड़ी प्रॉब्लम आए ना, उसको बड़ी प्रॉब्लम मत देखो, उसे छोटी छोटी प्रॉब्लम में डिवाइड कर दो, और आप एट अ टाइम एक छोटी प्रॉब्लम को सॉल्व करते जाओ। ऐसे करते करते आप पूरा अपने बड़ी पिक्चर को अचीव कर लोगे।
तो ये अगर आप थ्योरी लाइफ में भी अपनाओगे ना तो आपकी लाइफ काफ़ी अच्छी हो जाएगी। आपको जो चीज़ें बहुत तंग करती है आप देखोगे हाँ यार तंग तो करती है बट इसको मैं डिवाइड करके रोज थोड़ा थोड़ा उस पर काम करता रहूँ ना तो कुछ टाइम के बाद तो पूरी चीज़ अपने आप सॉल्व हो जाएगी जो हमें पहले इम्पॉसिबल टास्क लगता है। देयर आर मेनी एडवांटेजेस ऑफ बीइंग आईटी गाय। तो आई थिंक इंट्रोडक्शन इस टॉपिक इंट्रोडक्शन वीडियो के लिए हम इसको ज़्यादा बड़ा नहीं करते। मैंने कुछ कुछ आपको जिस्ट बता दिए कि हाउ यू कैन अप्लाई फॉर आईटी कंपनी, आईटी के जॉब इंटरव्यूज में क्या क्या आपसे एक्सपेक्टेशन होती है एज अ फ्रेशर, देन आप आईटी लाइफ में आते हो तो आपके अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं, क्या क्या पॉजिटिव्स आपको देखने को मिलते हैं। बाकी हम इसमें मोर डिटेल वीडियो बनाएंगे, आप कमेंट करके जरूर लिखना। अगर इससे रिलेटेड आप कुछ स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में जानना चाहते हो तो आई विल बी मोर देन हैप्पी टू शेयर माई एक्सपीरियंस एंड माई नॉलेज। तो होप यू लाइक दिस वीडियो। लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ या कोई आईटी में अगर जॉब लेना चाहे तो उसके साथ शेयर कर देना, उसको शायद कुछ अच्छे पॉइंट्स मिल जाए, वो डिस्कस करना चाहे। साइनिंग ऑफ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।